मुजफ्फरनगर से बहुजन समाज पार्टी के नए प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेते ही दारा सिंह प्रजापति की मुश्किलें बढ़ गई है और दारा सिंह प्रजापति की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर बुलडोजर चलाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ के प्राधिकरण ने उनके जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। इससे दारा सिंह प्रजापति ने राजनीति से प्रेरित बताया। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कैंडिडेट है वो बनाया गया है और वो चुनाव बीएसपी से लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चलाने का नया मामला सामने आया है। मिल रही जानकारी के अनुसार उनके ऊपर टिकट मिलते ही उनके ऊपर बुलडोजर चला है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को मवाना रोड पर मुजफ्फरनगर से बीएसपी के प्रत्याशी द्वारा दारा सिंह प्रजापति की कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया है। इसके अलावा बागपत रोड, खदोली, भोला रोड़ा आदि पर में भी अभियान चलाकर आधा दर्जन से अधिक जो उनके द्वारा प्रॉपर्टीज बनाई गई थी उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। इस मामले के बाद सामने आने के बाद दारा सिंह प्रजापति की तरफ से यह बयान दिया गया है कि राजनीतिक प्रेरित होकर, राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित होकर उनके ऊपर यह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष है उनसे निकालने के लिए इस तरीके की गतिविधियां की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से कल ही मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को बीएसपी की तरफ से फाइनल टिकट देकर मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दारा सिंह प्रजापति का अगला कदम क्या होगा।